वेलकम टू एलिगेंट स्टडीज। और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, मगर यस कुछ कन्फ्यूजन्स रहता है स्टूडेंट को। मैं उस कन्फ्यूजन की बात ही करने वाला हूँ आज। ये वो चीज़ें हैं जो जनरली स्टूडेंट जानते हुए भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन फील करता है और उसको डाउट होता है इन चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और साथ ही साथ क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यही कंडीशन है ना कि रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है रैशनल नंबर। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शंस क्या है? अगर पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शंस क्या है? अब स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होता है क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही है, फ्रैक्शन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या रैशनल और फ्रैक्शन एक ही चीज है, और अगर एक नहीं है तो डिफरेंस क्या है, और अगर कुछ डिफरेंस है तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन और ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है? क्योंकि अगर इनमें कुछ डिफरेंस है तो हो सकता है कि सभी रैशनल फ्रैक्शंस का पार्ट हो या फिर सभी फ्रैक्शंस रैशनल का पार्ट हो। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने जैसे लिखा कि रैशनल नंबर है वेयर द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी ये सेम डेफिनेशन है फ्रैक्शन की, मगर डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रैक्शन और रैशनल में हमें एक चीज और थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। फ्रैक्शन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? फ्रैक्शन का डिक्शनरी मीनिंग होता है पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ समथिंग। अगर मैं डिक्शनरी में फ्रैक्शन की बात करता हूं जो कि है पार्ट ऑफ समथिंग, ना पार्ट ऑफ समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव। लेट्स से अगर मेरे पास लेट्स से 100 रुपीज है तो क्या मैं आपको 110 रुपीज दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्या मैं आपको -10 रुपीज दे सकता हूं? नहीं दे सकता, राइट? सो व्हाट वी कैन से, फ्रैक्शन मींस द पार्ट ऑफ समथिंग एंड पार्ट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 मींस 0 मींस नथिंग, 1 मींस एवरीथिंग, ओके? फ्रैक्शंस वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1, ओके? सो नाउ इफ अ वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1, सो यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन अबाउट फ्रैक्शन कि फ्रैक्शंस क्या होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पी की वैल्यू क्यू के इक्वल या क्यू से छोटी होगी। दैट मींस न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। देखो, अगर पी की वैल्यू क्यू से हमेशा छोटी है, अच्छा एक चीज और इसको समझेंगे फिलहाल, अभी ये चीज समझते हैं कि P की वैल्यू Q से छोटी है, ये तो डिफाइन करेगा कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में। मगर नेगेटिव से बचने के लिए हम क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी होगी। अगर मैं इसके एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे 1/2, 3/5, 7/9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्रैक्शन मींस पी बाई क्यू की फॉर्म में वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर, ओके, एंड पी मस्ट बी लेसर देन और इक्वल्स टू क्यू, दैट इज डिनोमिनेटर। सो दिस इज द फ्रैक्शन बेसिकली, बट स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज इट विद द डेफिनेशन ऑफ रैशनल, दैट इज नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, दिस इज रैशनल, दिस इज फ्रैक्शन। सो नाउ यहां से हमें एक बात पता लगती है कि फ्रैक्शन के लिए एक एडिशनल कंडीशन रिक्वायर्ड है। फ्रैक्शन के लिए एडिशनल कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। क्या सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे? नहीं, ये चीज गलत होगी। ठीक है, तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल, यस। ऑल रैशनल आर फ्रैक्शन, नो। ओके, सो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन।
ओके तो मेन मोटिव तो क्लास का यही आपको बताना था कि रैशनल फ्रैक्शन के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है जिसको स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं जिसको देखने के बाद। एक चीज और हम समझ लेते हैं, देखो स्टूडेंट जनरली क्या कहता है कि सर पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो माई क्वेश्चन इज वॉट हैपन इफ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, वॉट विल हैपन इफ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो मेरे जितने करंट स्टूडेंट है वो यहां पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं और मुझे यहां पर दो आंसर मिलते हैं। पहला आंसर होता है सर आंसर इज नॉट डिफाइंड, सेकेंड आंसर होता है सर आंसर इज इंफिनिटी। तो अगर मैं p by q में q की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं तो आंसर नॉट डिफाइन आएगा कि इन्फिनिटी आएगा। ये कंफ्यूजन भी स्टूडेंट को रहती है अबाउट फ्रैक्शन मैं कहूं या फिर रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं आपको कर लेता हूं, आपको आंसर बताता हूं। देखिए अगर मैं कहूं कि 2/0 यानी एक वैल्यू को जीरो से डिवाइड किए करेंगे और आंसर x के बराबर है, अभी मुझे नहीं पता कि x नॉट डिफाइन है या इन्फिनिटी है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय x। सो नाउ माय क्वेश्चन इज बाय विच वैल्यू वी मल्टीप्लाइड 0 टू गेट 2, 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 आए। इस केस में मैं 0 x की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता हूं क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू मुझे नहीं पता जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, तो यहां पर आंसर हो गया नॉट डिफाइन। क्लियर है? इसी का दूसरा एस्पेक्ट पूछता हूं, सेकंड पार्ट। आप मुझे बताओ अगर 0/0 हो, 0/0 की वैल्यू अगर x अज्यूम करता हूं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय x। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर भी 0 आ जाए, अब आप कहोगे सर x की आप कोई भी वैल्यू रख लो, एनी वैल्यू, नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो, फ्रैक्शन रख लो, रैशनल इरेशनल कुछ भी रख लो, x की वैल्यू वी कैन पुट एनीथिंग विल गेट 0 इफ आई मल्टीप्लाइड इट विद 0, तो आंसर फॉर x इज इनफिनिटी। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट आपको समझ रहे हैं कि अगर x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो x की वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी कि इन्फिनिटी आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर क्या है। q इज इक्वल टू 0 दैट इज फाइन, देर आर टू केसेज व्हेन q इज इक्वल टू 0 वेदर आंसर इज नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, बट आंसर दोनों में से क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या है। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर इन्फिनिटी, यानी 0/0 इज इन्फिनिटी वेयर एज अ नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन। ठीक है जी, तो ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, जो समझाने की कोशिश करी आपको समझ आया होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे मैं पॉजिटिवली उनका रिस्पॉन्ड करूंगा टाइम से। एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड गिविंग योर टाइम। बेस्ट विशेज फॉर योर स्टडीज। थैंक यू ऑल।